सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एफके गुरु चैनल। दोस्तों आज का कुछ क्वेश्चन आंसर का बात फिर हम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक मैंने क्वेश्चन आंसर का बात किया था, सवाल जवाब जो बहुत से कमेंट आए थे उसके हमने 5 जवाब दिए थे, और फिर हम आज कोशिश करेंगे कि आज 5 जवाब और देने का, 5 आपका कमेंट का आंसर और देने का। चलिए आप देखते रहिए एफके गुरु चैनल। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, एक मेरे भाई ने कमेंट किया है कि मैं पटना का रहने वाला हूं और आपसे मैं मिलना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, तो वो चाह रहे हैं कि आपसे हम मैं मिलना चाह रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं भाई कि मैं अभी इंडिया से बाहर हूं, अभी आपसे हमको मुलाकात या मिल नहीं सकते हैं क्योंकि मैं इंडिया से बाहर हूं। लगभग आप मार्च के बाद हमसे आप मिल सकते हैं, अभी आप हमसे नहीं मिल सकते क्योंकि मैं इंडिया से बाहर हूं। और मैं एक बात और बता दूं, अगर जो लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं तो आपको मैं, जब मैं अपना इंडिया में आऊंगा तो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आप आकर हमसे आप मिल सकते हैं। आप हमें फेसबुक या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे आप हमको संपर्क कर लेंगे और मैं आपको एड्रेस दे दूंगा और आके आप हमारे से मिल सकते हैं, और हमारा गांव, हमारा घर जो भी है, आपको रहने का खाने का कोई चार्ज नहीं, आप जितना दिन आकर इत्मीनान से रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, और आप हमसे आकर मिल सकते हैं। बस आपका खर्च जो होगा वो आपका होगा भाड़ा, आने जाने का खर्च बस। और एक भाई ने पूछा है कि बिहार में कहाँ से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं बकरी का, तो आप बिहार से, पटना से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं आपको एक इस पर एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कौन सा नंबर, और नंबर के साथ साथ में मैं एड्रेस जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा, आप जाकर पटना में आप इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आपके ऊपर हो कितना दिन का ट्रेनिंग लेना है। अगर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि एक मंथ का ले लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको सब चीज का नॉलेज हो जाएगा, कैसे इंजेक्शन देने का है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या खिलाना है, छोटा छोटा बीमारी के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। इसके लिए होगा कि आप एक मंथ का जो ट्रेनिंग होगा वो जाकर ले लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, कि बकरी फार्म तो बहुत लोग खोलते हैं मगर बकरी फार्म खोलने के साथ साथ में कुछ ही दिन में बंद भी हो जाता है, क्योंकि उनके पास नहीं ट्रेनिंग है, नहीं उनके पास कोई नॉलेज है, बस पैसा है, थोड़ा खर्च किए और खोल लिए, बाद में क्या होता है वो चल नहीं पाता, या फिर लोग को क्या है कि आज खोले, एक मंथ के बाद, दो मंथ के बाद उनको इनकम 20,000-25,000 रुपये इनकम मंथली मांगता है। होता क्या है कि बकरी फार्म में कम से कम आपको 1 से 1.5 साल तक आपको कोई इनकम नहीं होता। मान लीजिए अगर आप बच्चा के साथ में बकरी लेकर आए हैं, बच्चा के साथ, छोटे छोटे बच्चा 1 महीना 2 महीना का, तो आप 1 साल के अंदर एक पैसा कमा सकते हैं, कम से कम आप अगर सेलिंग भी करते हैं तो आप 1 साल पे उसको सेल कीजिएगा, उससे पहले तो आप सेल कर सकते नहीं क्योंकि उतना बेनिफिट आपको होगा नहीं। और एक दोस्त ने कमेंट किया है कि मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूं और मैं ध्यान लगाकर उस वीडियो को देखता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी जाकर बकरी फार्म खोलूंगा। मैं आपको बता दूं, बकरी फार्म हो या गाय फार्म हो या कोई भी फार्म हो या मुर्गी फार्म हो, अगर आपका अगर अच्छा जॉब है तो आप उस चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जॉब नहीं है, इनकम कम है, वो जाकर बिजनेस कर सकते हैं। अगर जो अच्छी जॉब कर रहे हैं तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छी जॉब छोड़कर फिर जाकर इसमें करें, फिर इसमें क्या टाइम लगेगा, और आपको क्या एक इनकम आ रहा है, फिर आपको 1 साल 2 साल तक इसमें इनकम नहीं आएगा। अगर गाय फार्म की बात करें तो गाय फार्म में क्या है कि आपको इनकम आज लेके आए तो कल से इनकम आना चालू हो जाता है, अगर वो दूध देती हो तो, मगर वो अच्छी नस्ल का भी उसमें भी गाय पे खरीदना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं कोशिश है कि हमारा वीडियो आने वाला है। मुर्गी फार्म है तो मुर्गी फार्म में क्या है कि मुर्गी फार्म आपको कम से कम 2 से 3 हजार अगर बर्ड है यानी बच्चा है तो आप पैसा कुछ कमा सकते हैं। अगर आप 200, 400, 500 मुर्गी फार्म कर आप मुर्गी फार्म चलाना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट जो चाहिए वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा,
और ये क्या है कि अगर मुर्गी फार्म में क्या है कि अगर आपका 35 दिन या 40 दिन के बाद मुर्गी बड़ी हो जाती है, उसके बाद जो भी वो खाएगी वो आपका लॉस होगा। अगर सेल आपका नहीं हुआ माल तो आपका वो लॉस होगा। और एक दोस्त ने पूछा है कि क्या देसी बकरी जो हमारे बिहार के या यूपी के तरफ मिलता है, देसी बकरी के बकरी फार्म खोलने से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? तो भाई, देसी बकरी से आपको जो चाहिए वो बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट होगा मगर उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो बकरे होते हैं वो 5,000, 6,000, 7,000 में सेल होते हैं, तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, उसकी बकरी भी जो है सस्ता में आपको मिल जाएगी। आप उसे बकरी फार्म, आप कम पैसे में बकरी फार्म खोल सकते हैं। और मैं आपसे बोलूंगा कि अगर नया आप बकरी फार्म कर रहे हैं तो आप, अगर आपके एरिया में देसी बकरी मिले तो आप देसी बकरी से आप पहले बकरी फार्म कीजिए, उसके बाद आप फिर आप बाहर के जो भी नस्ल है आप लाकर उसको थोड़ा थोड़ा आप उसको अपने बकरी फार्म को आगे बढ़ा सकते हैं। एक भाई ने पूछा है कि आप जो मुर्गी फार्म जो होते हैं जो अंडा देने वाली, उस पे एक वीडियो बनाइए। तो मैं कोशिश करूंगा अभिषेक जी, उस पे जरूर एक हम वीडियो बनाएं और आपको उस वीडियो को देखें, और आप देखकर कुछ आपको भी नॉलेज हो, अगर उसमें कोई आपको फॉल्ट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि हर चीज का 100% हम नॉलेज हमको है। हम भी किसी से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, उसके बारे में डिटेल पूरा हम लोग जानते हैं। एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया है कि मैं 1 एकड़ में कितने जो घास होते हैं हरा चारा उग सकता है। तो पहले आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन सा आप हरा चारा खेती करना चाहते हैं, तो कौन सा घास है या फिर मक्का है, बाजरा है, कौन सा है, फिर मैं आपको कोशिश करूँ कमेंट कर आपका जवाब मैं दूंगा। आप पहले कमेंट कीजिए कि आप किस चीज का, या बोरसीन है या जई घास है, कौन सा घास आप खेती करना चाहते हैं। कि बहुत सा है कि एक बार लगाने के बाद एक बार कटिंग कर सकते हैं, बहुत सा है साल साल भर तक कटिंग करना है, बहुत सा है कि 6 महीना तक आप कटिंग कर सकते हैं। तब कौन सा घास लगाना चाहते हैं उसके बाद मैं आपका आंसर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपका कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका मैं रिप्लाई देने को। अगर रिप्लाई में नहीं दिया तो फिर मैं आपको इसी तरह जो सवाल जवाब का जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें आपका कमेंट दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।